फर्स्ट टाइम ये यूट्यूब पे किसी ने नहीं दिखाया होगा कि वॉशिंग मशीन में कोई शूज धुल रहा है। तो आज फर्स्ट सेकंड अबे टूटा हुआ। ओए पनीर की सब्जी, चटनी, रोटी, मूली, और ये दिया है हमारी मम्मी ने। आज का नाश्ता कहाँ भागे जा रही है मम्मी, किचन में कैमरा शाय इधर। तब मम्मी, आज इतना अच्छा नाश्ता, क्या बात है, कहाँ इतनी खुश हो यार, खुश तो है। तुम्हारी सोने वाली चेन दिख रही है, छीन लेंगे। तो हे गाइस, इट्स मी डाइव प्रियांश। वेलकम टू माय अनदर फर्स्ट ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह का भी 6:30 हो रहे हैं। सुबह सुबह उठ चुका हूँ आज, क्योंकि पापा ने उठा दिया। और आज सुबह सुबह की धूप, हाय देख लो यार कितनी मस्त धूप आ रही है, देख लो यहाँ तक पूरी धूप आ रही है हमारी। और ये रहा हमारा नाश्ता जो आपको दिखाया, आज सुबह सुबह ही नाश्ता करना पड़ रहा है क्योंकि मम्मी ने बना दिया सुबह सुबह। तो ये तो सब्जी तो कल रात की ही है, क्योंकि कल रात में पनीर बन रखा था, तो अभी सब्जी रह गई है। तो अभी करते हैं नाश्ता अपना, इसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस, अभी वीडियो मैंने अपलोड पे लगा दी है, बस थोड़ी देर में वीडियो आ जाएगी, लेकिन मैं उसको अनलिस्टेड पे ही रखता हूँ। अभी 2 बजे वीडियो आ जाएगी, जाके आप लोग चेकआउट जरूर करना कि कल वाला ब्लॉग कि कितना सेकंड सर्विस में मेरे लगा, कितना क्या हुआ, सारी चीज़ें उसमें डिटेल में मैंने बता दी है। और पीछे में जैसा कि देख सकते हो, पूजा वूजा कर रही है मेरे रूम में, जहाँ मेरी टेबल है, जहाँ मैं एडिटिंग वेडिटिंग अपनी कर रहा हूँ, सारे गैजेट्स रखे हुए हैं वहीं पे। पीछे में पूजा घर है हमारा, तो मम्मी पूजा कर रही है, तो ज़्यादा डिस्टर्ब करते नहीं है। तो 2 बजे वीडियो आ जाएगी, जाके जरूर आप लोग चेकआउट करना। और अभी थोड़ा एक दो काम करता हूँ, काम कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलता हूँ मैं। तो गाइस देख लो ये क्या कर रही है, दिन भर पता नहीं किसका किसका फेसबुक पे देखो सुनती रहती है, कौन से पता नहीं कौन से बाबा है, क्या आप बता रहे हैं जादू मंत्र टोना कुछ पता नहीं क्या यार, यही सब सुनती रहती है, क्या ही बताऊं मैं। मतलब 2400 घंटे यही मम्मी का चलते रहता है। तो गाइस, आज है संडे, जैसे कि देखो, और ब्लॉग आ चुका है, जाके जल्दी फटाफट जिसने नहीं देखा तो जाके देखो। और हाथ में मेरे शूज, क्योंकि यार संडे तो सोचा कि सारे शूज, जितने भी सारे, बहुत सारे शूज हो गए यार। और मैं सोच रहा था कि जब ठंडियाँ अभी आ रही है ना प्रॉपर, जब ठंडियाँ आ जाएंगी तो विंटर में हम लोग गरीबों को, जितने भी मेरे पुराने शूज़ हैं जो मैं फेंकने वाला हूँ, उनको फेंकूंगा नहीं, गरीबों को बांटूंगा। एक देख सकते हो दो उधर रखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 2 अभी अंदर और रखे हुए हैं। तो वही सब सोचा, जो नहीं पहनता उसको बांट दूंगा। और अभी सारे 200 तो 200 तो शूज सारे साफ ही थे। आ गई देखो, अभी भी कान में लगाई है भाई साहब, हम क्या करें, पागल हो गए यार। मम्मी पापा बोलते हैं बच्चों को कि फोन मत चलाओ, और बच्चे बोल रहे कि मम्मी को फोन मत चलाओ। ऐसा ही यही जनरेशन है भैया, देख लो ये जनरेशन का फर्क है। अजीब हाल है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मम्मी अब आज मम्मी का फेसबुक ही डिलीट कर देंगे, जिस पे देखती है काम ही खत्म हो जाएगा। डिलीट कर देना है, डिलीट कर देगा क्या काय कर दे मम, है, कर दे बोल यार। रहा। हाँ मैंने मम्मी फोन फाइनली वहां पे रख दिए, तो अभी हमारे ये शूज तो साफी हैं, इसको डालूंगा मैं अभी। और गाइस एक बीच में ट्विस्ट है, शूज हम साफ करने वाले हैं आज अपने वॉशिंग मशीन में। फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ, कि वॉशिंग मशीन में भी कपड़े तो बहुत लोगों ने देखे होंगे धुलते हुए, लेकिन आज हम लोग शूज अपने धुलने वाले हैं वॉशिंग मशीन के अंदर। ये दो सूज हैं हमारे, जैसे कि देख सकते हो, इसके रिबन मैंने बाहर निकाल दिए, ये गंदे नहीं है लेकिन फिर भी एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे, तो भैया सूज को तो दाव पे लगाना पड़ेगा। मेरे को नहीं पता कि अभी मेरे सूज इतने अच्छे अच्छे और भाई बड़े महंगे महंगे सूज हैं, तो ये जो मेरे को दिख रहा है भाई, ये ब्लैक एडिशन था, ये ब्लू एडिशन था, और वो तो भाई अलग ही लेवल का है, उसको तो मैंने एक भी बार अभी तक पहना ही नहीं, ऐसे सील पैक और ये सारे भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो अभी इन दोनों को अभी देख रहे हैं यहाँ पे, तो अभी लेके चलते हैं। एक मम्मी तुम उठा लो, उठा लो एक वाला, उठाओ जल्दी। ये देखो जमाई, ये देखो जमाई, देखो जमाई इसकी, देखो मैया की फोन उठा ली, देखो जूता बोला उठाने का तो फोन उठा लिया, वाह भाई वाह वाह वाह। यही तो हाल है भाई आजकल का। तो चलते हैं अभी वॉशिंग मशीन की तरफ, दोनों जूता डालेंगे अपना। लेकिन देखो यार डर भी लग रहा है कि शूज खराब ना हो जाए, लेकिन खराब तो नहीं होंगे, देखते हैं। एक्सपेरिमेंट आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, कि और भी अच्छी अच्छी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचे। और इसमें लाइट की थोड़ी इशू है, तो आप लोग मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे मम्मी खड़ी है, और इस साइड में हमारा एक सूज जा चुका है अंदर में, और इसमें थोड़ा बहुत सॉक्स भी मैंने डाल दिया, और एक ये वाला सूज है इस साइड में, दोनों को इस तरीके से हमने डाल दिया है। और अभी यहाँ से हम लोग फ्यूचर देंगे, ये वाला सही देख सकते हो, सरों भी डालना है ना, तो डालो हम ही सब डालें। ऐसे ऐसे लोग हैं, सब काम हम ही से कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्विच लगा दिया, यहाँ से कनेक्टेड है ना, यहाँ से ये वाला वायर छोटा था वॉशिंग मशीन का, तो यहाँ से अभी हम लोग ऑन करेंगे, तो वॉशिंग मशीन हमारी पूरी ऑन हो चुकी है। और यहाँ पे मम्मी डाल दिए, नहीं थोड़ा ज़्यादा डालना मम्मी, सूज या कपड़े थोड़ी हैं, यहाँ पे मम्मी ने इसमें डाल दिए, थोड़ा सा और दर्द दे दो बस बस बस, काफ़ी है इतना काफ़ी है। तो ये अभी हम लोग मस्त वॉशिंग मशीन में डाल रहे हैं, देख लो आप लोग। और गाइस मैं बहुत, मतलब
फर्स्ट टाइम ये यूट्यूब पे किसी ने नहीं दिखाया होगा कि वॉशिंग मशीन में कोई शूज धुल रहा है, तो आज फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट हम लोग करने जा रहे हैं, देखते हैं। आई होप कि जूते अच्छे से रहें और हमारी वॉशिंग मशीन भी अच्छी रहे। मम्मी का एकदम मतलब धड़कने तेज होगी क्योंकि वॉशिंग मशीन मम्मी का जिगर का टुकड़ा है, एकदम खड़ी है, बोली कि मैं देखूंगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। क्या मम्मी कैसा लग रहा है, वॉशिंग मशीन खराब हो गया तो? माँ खराब हो गया खराब हो गया तो तो फिर मंगाना। हाँ यूट्यूब मनी गई जाएगा, तो जल्दी फटाफट से अपने भाई के चैनल पे 1000 करा दो सब्सक्राइबर कि चैनल मोनेटाइज हो जाए और मम्मी के लिए नया वॉशिंग मशीन भी हम लोग लगा दें। तो यहाँ पे अभी P1 पे है, तो हम लोग इसको नॉर्मल किस वाले पे रखें, किस वाले सेटिंग पे इसको रखें, 1 मिनट। P1 पे ये अभी, तो यहाँ पे देख लिख रखा है नॉर्मल है अभी, यही सब वाइट वॉश, बेडशीट, ड्राई वॉश ओनली, यही सारे हैं। तो इसमें से कोई एक मैं सोच रहा हूँ इस पे लगाने को, लगा देता हूँ यहाँ पे वॉश ओनली पे लगा देता हूँ, ऐसा करता हूँ P10 पे। तो अभी P1 पे है, अरे यार गलती हो गया, इसको ऐसे करेंगे ना तो ये आ जाता है। अरे अरे क्या हो रहा है, एक बार ऑफ करने दो यार, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो गाइस यहाँ पे पानी वानी अभी नहीं है, अभी इसको इसने डायरेक्ट घुमाना स्टार्ट कर, देख लो। अरे यार मेरा सूज पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे गाइस अभी रोक दिया इसने, रुक गया अभी हमारा फाइनली वॉशिंग मशीन। अब देखते हैं स्टार्ट यहाँ पे होगा, देखा यहाँ पे टाइमिंग दिखाएगा कितने देर का टाइम ले रहा है हमारा वॉशिंग मशीन। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे 1 घंटा, आई थिंक 1 घंटे का लेगा, नहीं, 18 सेकंड। टूटा, ओए अभी ये कैसे कर रहा है, ओए भाई साहब तोड़ देगा ही। अरे यार मेरा जूता खराब हो जाएगा सारा, हे भगवान मेरे जूते। नहीं भाई हम लोग इस पे अब नहीं करेंगे, अब फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं, और हम लोग इस पे वॉश ओनली पे नहीं करेंगे, हम लोग ऐसा करते हैं इसको कि किस पे कर दे, इको वॉश पे कर देते हैं, 6 पे कर दिए इको वॉश पे। इको वॉश पे करते भाई पूरे जूते इस तरीके से पूरा घूमने लगा, फट फट जाता है मेरा जूता अब तक तो। भैया रे भैया मेरे जूते बड़े प्यारे हैं मेरे, अबे फिर घुमाने लगा बे, ये क्या हो रहा है। अच्छा अब पानी स्टार्ट हो गया गाइस, देख लो यहाँ से, अब यहाँ पे फाइनली पानी स्टार्ट हो गया अपना, और यहाँ पे जूते धुलेंगे। अब इनको हम लोग मस्त धुलने देते हैं, फिर घुमाने लगा। देखो गाइस फिर से घुमा रहा है ना, फिर से घुमाने लगा पूरे सूज को। तो जान को अपने हथेली पे रखते हुए सूज को छोड़ देते हैं, और अब मिलते हैं जब सूज हमारा वॉश हो जाता है, तब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो वेट करते हैं, मम्मी उस साइड में जा चुकी है, देख लो यार मम्मी वहाँ पे खड़ी हुई है। तो वेट करते हैं कि क्या होता है, कि हमारे सूज धुल पाते कि नहीं। अगर धुल जाएंगे तो ये बहुत अच्छा चीज़ हो जाएगी, धुलना नहीं पड़ेगा। तो और ये भी हो सकता है कि मशीन भी खराब हो सकती है, देख लो इतना ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, और सूज भी फट सकते हैं। तो देखते हैं अभी वॉश होने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस एक बार चल के अभी चेक करते हैं हमारा कि कितने टाइम अभी बचा हुआ है, अभी 25 मिनट ये दिखा रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे शो कर रहा है। और हमारे जूते की कंडीशन यहाँ पे देख लो यार, अजीब हो रहा है, इसको बंद कर रहा था पहले, तो जूता देख सकते हो फ्लोट करा पूरा पानी में, और काफ़ी ज़्यादा गंदा जूता हुआ था, पानी काला हुआ पड़ा है, देख रहे हो। तो देखते हैं यार 25 मिनट बाद, तब तक मैं अभी जस्ट बाहर से आया हूँ, तो चल के अभी एक बार मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद फिर 25 मिनट भी हो भी जाएगा। और यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए लगा दिया, देख लो पानी गर्म हो रहा है, तो फटाफट से जाके नहाते हैं, एक बार करते हैं फिर। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो नहा वहा के रेडी हो चुके हैं, और चेंज वेंज भी सारा कर लिया, देख सकते हो ये अंदर डाले तो। और देखो कमेंट करके बताओ अपना बाप का भाई कैसा लग रहा है, पूरा ब्लैक ब्लैक पहन रखा है ना, फ्लैश लाइट ऑन है इसके चलते क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा। तो अभी हमारा पूरा स्विच दो हमने डाल रखा था, वो वॉश हो चुका है, और मम्मी यहाँ पे वेट कर रही कब स्विच वॉश होगा कि हम लोग ले जाएंगे उसको डालेंगे बाहर, और शाम का टाइम भी हो चुका है क्योंकि 1.5 घंटे लग गए मेरे को स्विच धुलवाने में, मतलब ये वॉशिंग मशीन में 1.5 घंटे का टाइमर लगा दिया कि अच्छे से वॉश कर दे। अभी चल के देखते हैं फाइनल रिजल्ट उसका क्या आता है। अगर स्विच साफ हो गया तो हमेशा इसी से स्विच साफ करेंगे, मम्मी आएगी मम्मी निकालेगी, तो मम्मी निकालो, चलो मम्मी देख के बताएगी, फाइनल रिव्यू मम्मी करेगी हमारी। और इतने सारे कपड़े देख रहे हो पड़े हुए हैं कि भैया धुलना है, देखो मम्मी निकाल रही है यहाँ पे, अब देखते हैं कि कैसा धुला है, बढ़िया धुला है देखे। अच्छा निकालो सारा, निकालो पहले सारा, देख रहा है इस कैसे पड़ा हुआ है सूज, निकालो निकालो, मम्मी निकाल रही है, फिर बाहर ले जाके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से, देखने में तो सही लग रहा है, पूरा धुल ही चुका है अच्छे तरीके से। हाँ सूखेगा वो बाहर ही डाल देंगे, कल ही भर में सूखेगा, यहाँ पे सॉक्स भी एक निकला मेरा है। तो गाइस यहाँ पे अभी मम्मी लेके आ गई है बाहर सूज सारे, और अभी
बाहर चलते हैं, वेदर देखो शाम का टाइम हो चुका है, कितना मस्त हो गया है। और अभी मम्मी यहाँ पे बताएगी सूज, अब आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा कि कौन से साफ हुए, तो देख लो यार साफ तो मे बी हो ही गए हैं आई थिंक। ये जो थोड़ी थोड़ी थी ना, ये जो छींटे पड़ रखे थे ये वाले, तो ये साफ नहीं हुए, ये तो ब्रश से ही कर देंगे। तो साफ हो गया मम्मी अच्छे से, पूरा प्रॉपर तरीके से साफ हो चुका है, मतलब पूरे सूज साफ हो गए, देख लो साइड व्यू, साइड से भी पूरा साफ हो चुका है। 2Z मतलब कि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा कि वॉशिंग मशीन में भी हम लोग अपने शूज़ डाल के वॉश कर सकते हैं। नॉर्मल जो मोड होगा आपके वॉशिंग मशीन में, कोई भी डाल के मोड आप वॉश कर सकते हो। देखा है कि वॉश हो गया, वो जो डॉट पड़े हुए थे ना छींटे, वो भी साफ़ हो जाते, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा जम चुके थे, इसके चलते साफ़ नहीं हो पाया। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साफ़ हो गए पूरे कंप्लीट। और इसको यहाँ पे अभी शाम का टाइम होगा तो कल ही तक सूख सूख पाएंगे ये तो। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने सूज को वॉशिंग मशीन में डाल करके वॉश किया, काफी मतलब कि अलग टाइप का एकदम एक्सपेरिमेंट था कि भाई सूज कौन डाल के साफ करता है वॉशिंग मशीन में, लेकिन काफी ज्यादा मजा आया। और अभी शाम के बज चुके हैं 5 वहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो, और काफ़ी टाइम से आप सबके कमेंट्स भी आते हैं टर्टल्स के रिगार्डिंग, तो देख लो यार टर्टल्स कहीं गए नहीं है, टर्टल्स हमारे यहीं पे हैं। ठंडी का टाइम आ चुका है तो इनको थोड़ा ज़्यादा केयर चाहिए रहता है, तो 8-9 टर्टल हमारे यहीं पर पड़े हुए हैं देख लो आप लोग। तो वैसे जैसे कि आज की वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा देखा ही, काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया, मम्मी भी यहाँ पे। मम्मी कैसा लगा ये वॉशिंग मशीन में जूते धुल करके? हाँ अच्छा लगा। अच्छा, अरे इधर तो देख लो भैया एक बार मुस्की मार दो मॉम, ठंडी लग रही है तो मम्मी ने साल वाल ओढ़ रखा है। तो वही था कि भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आज एक्सपेरिमेंट ये करके, आई होप आप लोगों को वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, और काफ़ी ज़्यादा यूनिक वीडियो भी ये बन चुकी है हमारी आज की, और इसे आप भी अपने वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो वैसे आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी अच्छे नेक्स्ट कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।